अरे फिर चढ़ाने यार, क्या रास्ता है रे। किसी ने सही बोला, उबेद भाई के साथ रहोगे ना एडवेंचर पे एडवेंचर होते। अरे बहुत ज्यादा तो ये भाई की वजह से हम लोग आज रुक रहे हैं, घर जाने वाले थे बट नहीं गए। थैंक यू कलीम भाई के लिए, तो मेरे लिए रुक गए। क्या अरे वो जाएगा कैसे, उसके पास थोड़ी बाइक है। वो तो फंस गया, बट तुमको थैंक यू, मेरे को एक दिन रुकना था एक्स्ट्रा। अच्छा ऐसा है तो तुम्हारा बोनस मिल गया। क्या है वो, क्या दे रहे? फोन आ रहा है। अच्छा तो आज हम लोग का चेकआउट हो गया, अभी हम लोग आए हैं बेलकिम बीच पे। बस यहाँ से अभी हम लोग को सामने, अरे बोट कहाँ गई? ये जो चुन्नू सी बोट दिख रही है आपको, हाँ ये बोट दिख रही है, बस इसमें अभी बैठ के हम लोग को जाना है। तो आज हम लोग जा रहे हैं पैराडाइज बीच पे, यहाँ पे हम लोग की कैंपिंग रहेगी, बीच कैंपिंग। तो पूरा कैंप में हम लोग रहने वाले आज का दिन। तो ये बोट वाले को बुलाएंगे अभी, इसमें बैठेंगे और पैराडाइज जाएंगे। पैराडाइज बीच जाने का कोई रास्ता नहीं है, या तो आपको ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा या तो ऐसे बोट से जाना पड़ेगा। तो हम लोग बोट चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि फिर यहाँ से वापस आके डायरेक्ट बोट बाइक लेके निकल जाएंगे। कौन ट्रैकिंग करेगा 15-20 मिनट, आधा घंटा, जो भी लगेगा, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हमारा। क्या बोल रहे? कुछ बोलो ना अभी। एक तो इतनी मजेस्टिक जगह लेके जा रहा हूँ, बोट वोट की सब ट्रैवलिंग करा रहा तुमको। नहीं, फेरी आने वाली है, बड़ी वाली बोलना है कि ठीक है, बड़ी तो है। अब बड़ी क्या, तुमको क्या ऑटो लेके जाने का इसमें? किसको? नहीं नहीं अपने साथ नहीं है। कल इनको मजा देख, भाग भाग के आ रहे। अटे अटे ओके, यहाँ पे ओके। सबके जूते बिक गए, मेरा थोड़ा सा पानी गया, तुम्हारा जरा भी नहीं गया। मेरा गया है थोड़ा, नीचे मत रख, ऊपर रख, पानी जाएगा। वो साइड बोल रहे हैं उधर का, उधर लेते हैं। एसएल वर्ल्ड जाते टाइम पे बोट नहीं ली के बचपन में, फिर उससे बड़ी थी। तो छोटी बोट में बैठने का मजा भी अलग है, समझ रहे? ऐसा कायाकिंग दे देते तुमको भी, कमर दुख जाती तुम्हारी भी। जोर लगा के आज खड़ा हो ना, जोर लगा के, जोर लगा के तोड़ दी। नुकसान कर रहा है तू, ओ कलीम की ताकत देख। अरे अरे आ गया, कलीम शादीशुदा है, इससे पता चलता है फुल घर का काम करते हैं। वाह, गर्मी नहीं हो रही तुमको? जादू कम, तुम शाकल ज्यादा हो, क्या बोलते? धूप खा रहे ना अभी? हाँ धूप खा रहे। अरे भाई क्यों धक्का लगा रहे हो? उधर भावता चालू है, थके बहुत मेहनत हो गया, बहुत मेहनत है। गया जूते में पानी? मेरा गया नहीं, गया मेरा मेरे पैर पे गया। वाओ सेक्सी लेग्स, कैसे पानी गया आपके पैर पे? मैं पानी में होता तो पानी मेरे पैर पे है। अच्छा, और कलीम भाई गिल्ले गिल्ले हो गए। अच्छा, अरे निकल गए, क्या बात है, स्पीड बोट और ज्यादा दूर नहीं, पता तुमको? जोर से अरे आओ, कुछ चले जाओगे। अरे कुछ ले जाओगे, अरे आओ। अरे आ गए हम लोग पैराडाइज बीच, यहाँ पे हम लोग का टेंट रहेगा ऐसा। चलो, अरे आ गए हम लोग पैराडाइज बीच। बहुत मस्त लग रहा है, मजा आ रहा है, अलग लग रहा है ना कुछ? नहीं नहीं अलग लग रहा है, तू आया है इसे बहुत। ये देखो कलीम पटेली में चढ़ते हुए, क्या बात है। अभी ये तू तो गिरेगा पक्का, गिरेगा रे, आ जा इधर से, चल कलीम बनने की कोशिश मत कर। क्या बोला? इधर ही मार के गड़ेंगे। चीयर्स, चर्सी चर्सी नहीं जाने छोड़। अयो बहुत गर्मी, नहीं एक्चुअली एकदम पीक टाइम पे हम लोग दोपहर गए, दो बज रहे हैं। तो अभी उबेद भाई नीचे जरा बात कर रहे हैं कि कहाँ हम लोग का टेंट होने वाला है, कैसा क्या।
सब कुछ पूछ रहे हैं, बाथरूम किधर है, क्या करना है, कि ही इज़ वेरी पर्टिकुलर अबाउट वॉशरूम एंड ऑल हाइजीन के मामले में। देख सकते हो क्या क्या अश्लील कर रहा है आदमी। पहले उबैद भाई कितना नाटक कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। हाँ यहाँ पे एसी नहीं है, एसी नहीं है, गर्मी होएंगी, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, सब होगा। अभी बराबर मजा आ रहा है इनको, यहाँ से वहाँ घूम रहे, भटक रहे, हैपनिंग बोलते हैं, नो नेटवर्क। क्या नहीं अभी बोले क्या बोला, बोर्ड से गया अभी लेके आया, टेंट पे लगा के दिया, सब ऑलरेडी फुल है। तो अभी तो हमारा आज बहुत ज़्यादा भयंकर पोपट हुआ है, इतना बेकार पोपट हुआ कि आज का पूरा दिन हमारा वेस्ट हो गया। हमने जिसके थ्रू बुकिंग कराई थी वो बंदे ने यहाँ पे इन्फॉर्म ही नहीं किया, और हम लोग यहाँ पे 2 बजे पहुँचे, 2 बजे से अब बज गए 4, 2 भी नहीं एक्चुअली, 1:30 बजे यहाँ पे पहुँचे, 2.5 घंटे 3 घंटे होने आए, ना टेंट मिला ना कुछ मिला, खाना भी बकवास था, तो पूरा दिन वेस्ट चले गया। तो उसी चक्कर में हम लोग में भी थोड़ा सा टूटू में भी हो गए, यहाँ रुकना चाहिए, वहाँ रुकना चाहिए मैं। तो अभी बोर्ड का भी ऐसा सीन है कि 45 मिनट्स 1 घंटा लगेगा आने के लिए, और हम लोग लगभग 1 घंटे से बैठे ऑलरेडी। तो एक ही बोट है जो दूसरे बीच पे गई लंबा छोड़ने के लिए, अभी वहाँ से यहाँ आके फिर भर के फिर लेके जाएगी, तो बहुत टाइम है उसको। तो किसी ने बोला कि आप है ना यहाँ से चल कर जाओ ट्रैकिंग करके, 15 मिनट में पहुँच जाओगे। अभी पता नहीं है कितना लंबा चलना पड़ेगा, देखते हैं मगर ऐसा है। तो अभी उबैद भाई और उदय वहाँ पे पूछ रहे हैं रास्ता। अभी ऐसा ऊपर जाना पड़ेगा मेरा भाई, यहाँ से ऐसा ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब कितना ऊपर है सीरियसली, हम पिस्ट ऑफ चढ़ भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे पता नहीं है। उधर रास्ता है, हाँ चलो पेड़ हो गया समझो। हाँ वीडियो आ रहा ना, आएंगे लोग, आ जाओ आ जाओ, देख के देख के देख के, अरे फिर चढ़ा नहीं यार, बाप रे संभाल के ले लू। अच्छा तुम्हारा बैग दो, तुम ले लो। क्या रास्ता है रे ये, क्या ये, बाप रे। किसी ने सही बोला, उबैद भाई के साथ रहोगे ना एडवेंचर पे एडवेंचर होते, अरे बहुत ज्यादा। हाँ हाँ है, चल 14 नहीं अपने पास, मगर नहीं कोई है क्या, बंद है होटल, क्या दिख रहा है, ओम शांति होटल, यहाँ पे पानी पिला, नेटवर्क आया, एक पॉइंट आया ना, क्या लिखा पट पानी जंगल में। अभी 2 लोग हम लोग को मिले और वो लोग नीचे से ऊपर आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि ये वाला रास्ता लो, हम लोग यहीं से आए बीच के पास से, तो अभी ये रास्ता है। तो हम लोगों को बीच दिख रहा है यहाँ से, अरे आगे बीच, एंड री आर हेयर, हाँ यार यही पीछे के नहीं देखने थे, हाँ पहुँच गए बच्चे लोग। ये तो वहीं हम लोग निकले जहाँ से हम लोग गए थे, बराबर वही होटल है, सही है, है ना, अच्छा हो गया पहुँच गए जल्दी। हाँ यार थोड़ा मेहनत था। हाँ पूरे गोकर्णा में हम लोगों को एक भी जगह नहीं मिली रहने के लिए, तो हम लोग वहाँ से गोवा आ गए। गोवा में अभी बेनोलिम में रुके हैं, उबैद भाई को काम था, उबैद भाई निकल गए, मैं कलीम और उदय अभी यहाँ पे रूम मिला है, फ्लैट मिला एक्चुअली, तो यहाँ रुके, और पूरे बिल्डिंग्स में ना सिर्फ हमारा फ्लैट अभी चालू है और एक ऊपर किसी का ही है बस। तो एक ज़रा रूम टूर देता ना, तो यह हमारा एक रात के लिए फ्लैट, दिन नहीं कुछ नहीं, रात के लिए फ्लैट, यहाँ वॉशरूम है, ये किचन है, ये बेडरूम नंबर 1, इसके अंदर वॉशरूम, और ये बेडरूम नंबर 2। यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या, बालकनी बहुत बड़ा, बालकनी नहीं है, बेकार धक्का दे, बालकनी है, हाँ मस्त बालकनी, और बालकनी मैंने
वो रूम का बालकनी है और यहाँ पे कोई नहीं है, खाली है वो एक घर दिख रहा है वहाँ पे लाइट चालू है बस। हाँ ऐसा है, बंद कर भाई, बंद कर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने पीने के लिए क्योंकि जल्दी बंद हो जाता है यहाँ पे। ये साउथ गोवा में रुके हम लोग, तो साउथ में बहुत जल्दी बंद हो जाता है 11 बजे तक। तो घूमते घूमते हम लोग को फूड ट्रक दिख गया है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने के लिए। तो चाइनीज बीनीज ये सब खा खा के हम लोग पक गए हैं, तो कुछ आज रोल खाया जाए। ड्रिंक्स भी आ गए अपनी, ये ब्लूबेरी वाला है और ये हमारा टिक्का बना जा रहा है। तो अपना आ गया लेबनीज रोल, तेरा कौन सा है? पेरी पेरी। इसका आ रहा है रेशमी। तो ये सुपर मार्केट से हम लोगों ने इतना सारा सामान खरीद लिया, पानी की बॉटल, जूस, शैम्पू, साबुन सब ले लिया क्योंकि नहाने धोने के लिए कुछ है नहीं वहाँ पे, तो ले लिया। अभी जा रहे हैं ज़रा थोड़ी देर चिल करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। कल सुबह उठ के हम लोग को निकलना है मुंबई के लिए। वाओ एक नंबर, बढ़िया लोग रहते हैं नहीं रहते कुछ पता ही नहीं है, पर बहुत ना खूबसूरत सी कॉलोनी है। एक दो तीन माले का ही सब फ्लैट है बट बहुत खूबसूरत है। हाँ रात को नहीं समझाना कुछ भी, सुबह जो उठा ना बहुत मस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना पूरा। अभी हम लोगों का सीन ये है भाई कि अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मुंबई के लिए, एज यूजल राइड करेंगे बट इस बार कुछ और रूट ले रहे हैं हम लोग, अम्बोली नहीं ले रहे। अब बेस्ट डिसीजन था हम लोग का साउथ में रुकने का, खाना पीना सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पे। नॉर्थ में नहीं गए क्योंकि और 2 घंटा चलाना पड़ता फिर लेट हो जाता वो। तो हम लोग खाए और सो गए यार आके, मतलब कुछ समझ में भी नहीं आया हम लोग को। अब भी 9-10 बजे उठे, पूरी नींद मार के उठे, इतनी थकान हो गई थी हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत ज़्यादा फ्रेश लग रहा है। सो सॉरी कि ये 2 वीडियो बाद बोल रहा हूँ मैं कि मैंने 1, 2, 3, 4 जितने भी दिन है मैंने वीडियो नहीं डाले। सो सॉरी बिकॉज क्या है कि देखो नेटवर्क नहीं है, जैसे हम लोगों ने होटल छोड़ा उसके बाद में तो कोई नेटवर्क नहीं है वहाँ पे भी। 1 वीडियो मैंने डाल पाया उसके बाद में वाईफाई गया, तो वाईफाई का बहुत इशू था वहाँ पे, हम लोग का नेटवर्क का इशू था, तो अपलोड कैसे करें वो सीन है। 1 वीडियो ऑलरेडी कम्प्लीट है पर अभी भी यही है कि मैं डालूँ कैसे, अपलोड ही नहीं हो रहा है। अपलोड हो रहा है तो मतलब 5-6 घंटा दिखा रहा है क्योंकि हम लोग का खुद का 4G 2G जैसा चल रहा है एकदम, कुछ नहीं चल रहा ना। YouTube पे वीडियोस देख पा रहे ना कुछ देख पा रहे, सिर्फ एक दूसरे का मुंह देख रहे बस हम लोग। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और सब्सक्राइब करके जाना। उबेद भाई घर पहुंच चुके हैं, अभी सो गए हैं सेफली, तो उनका ऑफिस जाके काम रहेगा। हम लोग आज नहीं है कल है, तो हम लोग कल तक रात में ही पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। गुड बाय, टेक केयर, स्टे काम, स्टे पॉजिटिव, स्टे स्ट्रांग एंड पीस आउट। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।